जी, ऐसी शख्सियत से आपका रूबरू करवाया, क्योंकि आप चाहते हैं कि अदब फैलता रहे, चलता रहे, लोग पढ़ते रहे, हम सुनते रहे। लेकिन पढ़ने वाले सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि उनको पढ़ने का शौक है, लेकिन वो ऐसा कि आपके दिल में उतरना चाहते हैं और दिल में उतरने का हुनर जानते हैं। चंडीगढ़ में युवा लेखक मंच के सेक्रेटरी जनाब नवीन नीर साहब, वो न सिर्फ चंडीगढ़ में बल्कि देश भर के मुशायरों में शिरकत फरमाते हैं। नवीन नीर साहब, बहुत शुक्रिया भारती साहब। मैं सबसे पहले इस खूबसूरत मुशायरे के लिए बधाई देता हूं दानिश भारती जी को, इनकी पूरी टीम को। गजल का मतला चंचेर हाजिर करता हूं। मसले को घर के गलियों तक लाते नहीं हैं, मसले को घर के गलियों तक लाते नहीं हैं, पर्दा जहां गिराना हो उठाते नहीं हैं। मसले को घर के गलियों तक लाते नहीं हैं, पर्दा जहां गिराना हो उठाते नहीं हैं, बस थूक देनी चाहिए रंजिश हो जैसी भी। शेर सुनिए दोस्तों, बस थूक देनी चाहिए रंजिश हो जैसी भी, चिंगम की तरह बस इसे चबाते नहीं हैं। बस थूक देनी चाहिए रंजिश हो जैसी भी, चिंगम की तरह बस इसे चबाते नहीं हैं। तुम अपने जिंदा होने का सबूत दो कोई, तुम अपने जिंदा होने का सबूत दो कोई, इन फेफड़ों को बस यूं ही फुलाते नहीं।